हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो एज अ बिगनर। 2019 इज कमिंग एंड ऑल्सो गाइस, वन गुड न्यूज फॉर यू एंड खासकर फॉर मी। तो गाइस, कल परसों मतलब ये जो हफ्ता रहा ये वंडरफुल फॉर माय एफिलिएट जर्नी। एंड गाइस, एफिलिएट जर्नी में एक बहुत बड़ा मैंने जे कर लिया है और यहाँ मैं बहुत ही अच्छी अर्निंग करने लगा हूँ जस्ट एक सॉफ्टवेयर से। अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज की थी और यहाँ पर एफिलिएट में आगे बढ़ने के लिए कि मुझे ज़्यादा सेल मिले, मैं ज़्यादा अर्निंग करूँ और कुछ बड़ा एफिलिएट में आगे बढ़ूँ। तो गाइस, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत सारे पैसे वेस्ट किए एंड गॉट अ वन सॉफ्टवेयर और वो इतना चीप था। इससे पहले मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर खरीदे और वहाँ मैंने बहुत सारा पैसा वेस्ट किया। लेकिन जब मैंने एक हफ्ते पहले, इसीलिए मैं वेब ऐसी वीडियोज़ नहीं बना रहा था, वेब पर आके वीडियोज़ नहीं बना रहा था, आपको सिर्फ स्क्रीन शॉट्स के वीडियो आ रहे थे अभी तक। और लेकिन कल जो बहुत ही मतलब फाइनली रिजल्ट बहुत ही तगड़ा रहा मेरा और मैंने शेयर किया फेसबुक पे, और फेसबुक पे शेयर करने के बाद गाइस द टन्स ऑफ कमेंट कमिंग कमिंग कमिंग। एंड गुड न्यूज़ ये है कि आज सुबह और कल से नहीं भी तो मैंने 4-5 लोगों को हेल्प कर दिया इस सॉफ्टवेयर से एंड दे आर टेकिंग एडवांटेज, वंडरफुल एडवांटेज। और क्या टूल है गाइस जिसने बनाया है इसे, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और उसको मैंने मेल भी किया। इट्स वंडरफुल। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट कॉन्ग्रेचुलेशन बिलो एंड बहुत ही ज़्यादा मजा आया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ कि आप कैसे एज अ बिगनर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अब तो मैं वर्ल्ड वाइड लोगों की मदद कर रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में, तो आपकी तो जरूर करूँगा क्योंकि वी आर अ फैमिली ऑन यूट्यूब। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और आज आप कैसे करोगे एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे स्टार्ट करोगे आज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आपको सिर्फ करना होगा कुछ ऐसा काम। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, अगर कोई लोग नए देख रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो मैं बताता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि मान लो आप कभी छोटे थे या अभी भी हो छोटे या नहीं हो छोटे, तब भी ये जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो क्या बोलते हैं एग्जिस्ट करता है आपके लाइफ में। तो क्या होता है कि जब आपको मम्मी या पापा पैसे देते हैं मार्केट से कुछ लाने के लिए, तो आप जाते हो मार्केट से कोई सामान खरीदते हो, ठीक है। मान लो आप कुछ राशन आटा वाटा खरीदने गए, तो आप उसको खरीद के लेके आए, ठीक है। जब आटा लेके आए आप, तो आपके पास कुछ पैसे बच गए, ठीक है। आप आटा लेके आए, आपके पास कुछ पैसे बच गए, आपकी मम्मी ने बोला बेटा जा तू रख ले, समझ 10-20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये बच गए और मम्मी ने बोला बेटा जा तू रख ले। तो अब क्या हुआ, आपके पापा ने आपको पैसा दिया था कि जाओ बेटा इतने 500 रुपये का आटा लेके आना, आप लेके आए 450 रुपये का, 50 रुपये बच गया और मम्मी ने कहा बेटा तू रख ले। तो वो 50 रुपये जो आपने रख लिया उसको बोलते हैं एफिलिएट कमीशन। और आपने एक प्रोडक्ट वेंडर से मतलब अपने पापा से नहीं, उस दुकान वाले से लेके मम्मी तक पहुँचा दिया, ठीक है, मतलब वेंडर से कस्टमर तक पहुँचा दिया और आपको मिल गया आपका कमीशन। तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। और मुझे है अपनी जिंदगी में सब जितने भी लोग हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग जरूर किए होंगे, लेकिन शायद उनको पता नहीं होगा। तो दोस्तों, यही होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हो, दूसरा स्टेप ये है गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ नेटवर्क्स होना चाहिए, ठीक है। कुछ अच्छे नेटवर्क के नाम मैं बता देता हूँ, जेवाजू, ठीक है, मैक्स बॉन्टी, ठीक है, जिसमें मैं पर्सनली काम करता हूँ, उसी नेटवर्क के मैं नाम बता रहा हूँ, अमेजॉन, ठीक है, पेटीएम डील्स इंडिया के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, पेटीएम डील्स, और फ्लिपकार्ट अभी मत ज्वाइन करो, फ्लिपकार्ट का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, ठीक है। और यही मतलब 3-4 नेटवर्क से ही मैं अभी अर्निंग कर रहा हूँ और आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ आपका अकाउंट रहना चाहिए। अब जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, वो एग्जिस्ट करती है कि आप अपने ऑफर लोगों को कैसे डिलीवर करते हो। तो यहाँ जो तीसरी चीज़ है वो होगी ट्रैफिक। तो आप ट्रैफिक कहाँ से ला सकते हो, आप ट्रैफिक ला सकते हो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, आप कह सकते हो सोशल मीडिया से, ठीक है, सोशल मीडिया से आप ला सकते हो। अगर आप ब्लॉगर हो, राइटर हो, तो आप अपने ब्लॉगिंग से ला सकते हो, ठीक है। लेकिन द बेस्ट वे टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, आपको ब्लॉगिंग से एफिलिएट मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ करनी है, उसे बोलते हैं लैंडिंग पेज। आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। लैंडिंग पेज एग्जैक्टली होता क्या है गाइस, आज वो भी मैं बता देता हूँ।
लैंडिंग पेज वो चीज है जहां आप किसी को कोई सामान ऑफर करते हो, ठीक है। अभी एक चीज बेस्ट एडवाइस देता हूं आपको, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो अभी इस समय चल रहा है क्रिसमस, क्रिसमस मंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, ये सब जो चीजें हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम बाहर ज्यादा यूज करते हैं, बाहर मतलब यूएस हो गया, खासकर जो टारगेट हमारा यूएस रहता है, जितने भी एफिलिएट मार्केटर हैं, ड्रॉप शिपर्स हैं, उनका जो टारगेट रहता है वो होता है यूएस। क्यों? क्योंकि वहां जल्दी चीजें बिकती हैं, वहां लोग ज्यादा अवेयर हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो वहां कन्वर्ट जो अपना कन्वर्ट होता है, जो कन्वर्जन रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो लोग उसी कंट्री को ज्यादा टारगेट करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, स्वीडन, तो इन चीजों को लोग ज्यादा टारगेट करते हैं। कभी डीप में जाएंगे तो मैं बताऊंगा इन चीजों के बारे में, तो इन चीजों को लोग ज्यादा टारगेट करते हैं। तो यहां आप क्या करोगे कि एक लैंडिंग पेज बनाओगे जहां आप क्रिसमस के बारे में लिख दो, या क्रिसमस डिस्काउंट 50%, सो दिस इज योर ऑफर, यू आर डिस्काउंटिंग 50%। तो अब बंदा जब उस पर क्लिक करेगा तो वहां कुछ गैप्स खुल जाएंगे, कुछ खिड़कियां खुल जाएंगी, जिसमें आपको उसको लिखना होगा उसका नाम, ईमेल, और उसको सबमिट करना होगा। जैसे ही वो सबमिट करेगा, या आपको लिख दो वॉच ऑडियो गेट फ्री इंस्टेंट बुक ई बुक, ओके, गेट फ्री फ्री टिकट, ठीक है। तो जैसे वो सबमिट करेगा, वैसे जो उसका वो रहता है ईमेल, वो आपके पास आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम भी जब कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे तो आप उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट उसको मेल भेज सकते हो कि ये ले भाई, मेरे पास एक अच्छा प्रोडक्ट आया है, और इससे तू काफ़ी ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकता है, अगर वो डिजिटल प्रोडक्ट है। अगर वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप उसका एडवांटेज उसको बता सकते हो और उसको बेच सकते हो नेक्स्ट टाइम। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले टाइम तो ताज़ा बेच के ताज़ा खा के खा लोगे, ठीक है, लेकिन बाद में नेक्स्ट टाइम भी के लिए भी आपका जो गेम है वो रेडी रहेगा। और जो ईमेल यहाँ भेजते हैं उसको बोलते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर, ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल, ऑटो रिस्पॉन्डर फुल नेम। तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक आपके बिहाफ में ईमेल भेजता है लोगों को, आपको बस एक बार सेट करना रहता है। इसमें ईमेल्स आते हैं, ईमेल्स जाते हैं, बस आपको एक बार सेट करना रहता है, ठीक है। इसका भी कुछ कॉस्ट लगता है, तो और यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ सिर्फ तीन चीज़ें काम करती हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग कोर्स बेचते हैं, आलतू फालतू चीज़ें लोगों को बताते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ तीन चीज़ें काम करती हैं। द फर्स्ट थिंग इज ऑफर, द सेकेंड थिंग योर टारगेट, एंड योर थर्ड थिंग इज योर कन्वर्जन रेट। अगर आप ये तीन चीज़ों पे सिर्फ फोकस करोगे तो आप बहुत ही अच्छा एफिलिएट कर सकते हो। तो दोस्तों यही होती है एफिलिएट, और आप इसको बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ही फ्री। लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप विक्स का यूज़ कर सकते हो। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पूरा एक सीरीज स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करो नीचे एक बार, डेट वी वॉन्ट ऑल सीरीज, ओके, बस इतना, वी वॉन्ट ऑल सीरीज। और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे। वी वॉन्ट मतलब हम सब चाहते हैं कि नीचे कम से कम मिनिमम 21 कमेंट्स अगर आ जाते हैं तो मैं इसका पूरा एक एक फ्री बताऊंगा कैसे आप एफिलिएट को स्टार्ट कर सकते हो। और नहीं भी तो $40 खर्च करके काफ़ी अच्छा एक नेटवर्क बना सकते हो एफिलिएट के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कैसे कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, हर चीज़ों को सिंपल बनाना पड़ता है। और आई हार्डली बिलीव एवरीथिंग इज सिंपल, हम उसको बहुत ही ज़्यादा तोड़ मोड़ के देखते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है। क्या है एफिलिएट? एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट, बस एक वेंडर मतलब एक दुकानदार से ग्राहक तक सामान आपको पहुंचाना है और आपको बस एक कमीशन लेना है, दिस इज कॉल्ड एफिलिएट। लेकिन लोग इसको इतना ज़्यादा घोल पिला दिए हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लोग डरते भी हैं, सोचते हैं कि बहुत पैसे चल जाते हैं। नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग पे बस आपको सही नज़र रखनी पड़ती है प्रोडक्ट और आपके बायर पे, बस यही है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको भी सीखनी है तो नीचे कमेंट है और कांग्रेचुलेशन लिखना बिल्कुल मत भूलना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।